आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, चाहे CWL हो या फिर वॉर हो, हर किसी को 3 स्टार निकालना है और लीडर की नजरों में तारा बन के रहना है। तो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ एक बड़ी खतरनाक वीडियो। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लीजर्ड पे वीडियो बना चुका हूँ और मैं एडिक्टेड इतना हो चुका हूँ कि एक बारी फिर से मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ एक नए स्टाइल से। थोड़ी और मॉडिफाई करिए आर्मी को हम लोगों ने, और यहाँ पर टाउन हॉल 13 पर नए लेवल भी खुले, तो जस्ट हम लोग एक परफेक्ट सा बेस ढूंढेंगे और उसके बाद तुम लोग से मिलेंगे। ओके गाइस, तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम लोग जस्ट एक मैक्स बेस लेआउट तुम लोगों को निकाल के दिखाएं, ताकि तुम लोगों को समझ आए कि हाँ भाई, मैक्स बेस पर इसको 3 स्टार निकाला गया इस स्ट्रेटजी से, तो फिर ये स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। नोबलों का अटैक तो यार अच्छा नहीं लगता है ना। जस्ट यहाँ पर तुम लोगों ने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, एवरी 4 सेकेंड एक इनविजिबिलिटी, 2 क्लोन और फिर एक इनविजिबिलिटी। एक बात का ख्याल रखना, स्कैटर शॉट के एक हिट में पूरा अटैक बर्बाद हो जाएगा अगर तुम लोग लेट करोगे इनविजिबिलिटी को, थोड़ा ख्याल रखना। बस स्कैटर शॉट का एक शॉट, वो देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, वो पूरी तरीके से कोशिश में है कि एक भी उसको आर्चर नजर आए वो उड़ा दे। अब जस्ट जितनी बचेंगी तुम लोगों के लिए मेन पॉइंट होगा। अब तुम लोग देख सकते हो कितना कुछ हम खा चुके। अभी हमारे पास हीरोज बचे हैं, उनकी एबिलिटी बची है, मेन आर्मी बची है। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो वो है स्पेल्स, जिसकी हमें अब ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक। और किंग को अंदर घुसाने का हम लोगों ने थोड़ा पागलपन तरीका घुसाया है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ क्वीन नज़र आ रही थी, और क्वीन को हम अपनी क्वीन से टेक डाउन करेंगे, और किंग के साथ हम लोग यहाँ पर एक और यहाँ पर जो भाई अपना एयर डिफेंस है वो भी टेक डाउन कर लेंगे। अभी तुम लोग देख सकते हो स्टिल 2 मिनट 1 सेकंड, यानी जस्ट 59 सेकंड में हम लोगों ने 35% की वैल्यू और 1 स्टार निकाला है। मेन आर्मी डिप्लॉय करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रॉक्स समथिंग ऐसी कोई 1 o'clock पर हम लोगों को थोड़ा सा फनल बनाना है, ताकि जो हमारे ड्रैगन्स हैं वो भटक ना जाए, क्योंकि ये भटकने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो जस्ट एक बात का ख्याल रखना, आरसी के लिए तुम लोगों को एक परफेक्ट वे ढूंढना पड़ेगा जहाँ तुम लोगों को मोटे मोटे मजीद डिफेंसेस मिल जाए। मेरी आरसी थोड़ी लो लेवल की है, इसीलिए आई एम सो सॉरी। तुम लोगों की आरसी हो सकता है ज़्यादा हाई लेवल की हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा रहेगा। जस्ट इन तुम लोगों को वार्डन की एबिलिटी का ध्यान रखना है, एक बची कुची तुम लोगों के पास यही स्पेल होगी वार्डन की एबिलिटी, जो तुम लोगों को बचा सकती है। कोशिश ये करना है कि आरसी भी तुम्हारी वार्डन एबिलिटी के अंदर आए, अगर नहीं आई तो आरसी को कहीं कोने में उतार देना, ताकि वो सारा क्लीनअप करता हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ तुम लोग देख सकते हो सिंपल है, कोई चीज़ तुम लोगों को अगर फेल करवाएगी तो वो टाइम फेल होगा। मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, तुम लोग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना। एक ई ड्रैग को बचा लेना, ऊपर की साइड पर तुम लोग ऐसे ही डिप्लॉय कर देना और अपने अटैक को आराम से 3 स्टार निकाल देना। और हीरोज की एबिलिटी का स्वैग मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाउन हॉल 13 है, टाउन हॉल 8 और टाउन हॉल 9 नहीं है, तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ऐसे मत सोचना कि अटैक ईजिली 3 स्टार हो गया, तो जो विच स्लैप में हम लोग पागलपने की हरकतें किया करते थे ना, तो यार उससे थोड़ा सा हम लोगों को बच के रहना होगा। जस्ट तुम लोग यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर 38 समथिंग कोई 35 सेकंड यहाँ बचे हमारे पास, अब 35 सेकंड बचे और यहाँ पर ईजिली हम लोगों ने क्लीन अप कर लिया। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसको मजीद एलेबोरेट करके तुम लोगों को बता दूंगा। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। होप सो तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। लव यू ऑल, बाय बाय।